ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. इट्स अ स्मॉल सेशन, प्रॉब्ली 10-15 स्लाइड्स, विच मोर मोस्टली अबाउट हाउ वी आर गोना गो थ्रू व्हाट इज जीआरई, वेयर इट इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट स्टूडेंट्स इट इज यूज्ड एंड हाउ वी आर गोना प्रिपेयर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 2 or 3 months, राइट? सो वी आर बेसिकली स्किल मास्टर. आई डोंट यू माइट हैव हर्ड अबाउट अस. वी स्टार्टेड अवर ऑपरेशंस इन 2013. That is the time when me and my partner, Mr. Pankaj Parihar, came back from US to do something on our own. So we found this, that what we have gone through, सारा जो experience हम लोगों ने किया कि exams दिए, scholarships पे गए, why not the other students benefit from our experience? That's how we started our classes back in 2013. So now more than 1,000 students have benefited from us, and then in fact, no, it's more, even more than that. And majority have gone to US and are well settled, right? So this year, in fact, we had a batch of 400 students, which unfortunately is stuck right now. Okay. So anyway, they'll go back probably in January. They'll get a chance to go, right? So but today, mostly it's about GRE. GRE kya hai? Uske baare mein baat karenge, and then I'll walk you through the Skill Master application, jo aapne abhi download kiya hai. So I'll walk you through that, right? So as you might be aware that GRE is graduate record examination. Now there's a huge myth ki GRE engineers ke liye hota hai. India mein kai baar log bolte hain na, nahi sir GRE to engineer log dete hain, which is not true. Kyunki ye hota hai ki dekhiye US mein kya hota hai, they in the past it used to happen ki 12 plus 4 ka system hai unke yahan. Hamare engineering degree aisi hai jo 12 plus 4 hoti hai, baki jo BA BCom BBA sab 3 years ke hote the. To amuman what used to happen, these people jo नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो कम जाते थे, उनको पता भी नहीं होता था, तो उन्होंने मिथ बना लिया कि नहीं ये तो जीआरई तो इंजीनियर्स के लिए होती है, विच इज नॉट ट्रू. जीआरई इज एज द नेम सजेस्ट, इट्स बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर अ ग्रेजुएट डिग्री इन यूएस, राइट? एंड अ लॉट ऑफ स्कूल्स अदर देन यूएस एज वेल, राइट? तो दैट इज वन थिंग. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शंस, 3 मेन सेक्शंस हैं इसके. एक तो क्वांटिटेटिव है, विच इज बेसिकली मैथ सेक्शन, वर्बल इज इंग्लिश से पे बेस जो सेक्शन है. एंड देन देयर इज एनालिटिकल राइटिंग, वेयर यू हैव टू राइट टू एसेस, टू शॉर्ट एसेस बिटवीन 300 टू 400 वर्ड्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, सम सर्टेन इश्यूज यू हैव टू राइट, राइट? नाउ द जीआरई का जो ये रहता है, स्कोरिंग रहता है, सो मेनली क्वांटिटेटिव और वर्बल रहता है. तो ईच पार्ट इज ऑफ 170 मार्क्स. जैसे क्वांटिटेटिव है दैट इज 170 एंड वर्बल इज अगेन 170, सो इफ यू एड इट अप टोटल मार्क्स फॉर जीआरई आर 340. इसके बेसिस पे काउंटिंग होती है, ठीक है? जो एनालिटिकल राइटिंग वाला सेक्शन है वो इन नंबर्स में काउंट नहीं होता, उसको अलग से काउंट करते हैं. एंड दैट इज बेसिकली स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 6.0, मतलब 6 में से आपके 3 आ सकते हैं, 3.5, मतलब इंक्रीमेंटल रहता है 0.5 का. सो यू कैन गेट 3.5 और 4.0. एनी स्कोर 3.5 और अबव, मैं तो बोल रहा हूँ 3 एक एवरेज स्कोर है इंदौर में हमारे यहाँ, 3.5 आ जाता है, विच इज गुड इनफ, राइट? Now coming back to this overall score in GRE, जो 340 में से जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो that depends on course to course. Now जो computer science being the most competitive and most popular branch, so there the requirement is more around 310, 315. For some other branches, mechanical, civil, या business analytics या supply chain, a score of 300 to 305 is again considered good. For your branch, अगर आपने कुछ decide अभी तक नहीं कर रखा है, पर अब अगर अपन नॉन स्टेम ब्रांचेस में जाते हैं तो हो सकता है कई जगह कम भी मांगे स्कोर चल जाए, कई जगह हो सकता है नहीं भी मांगे, राइट? तो वो डिपेंड करेगा हमारा, है ना? तो ऐसा कुछ पास फेल का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. जैसे होता है ना कि नहीं हमको इतना प्रतिशत मार्क्स तो चाहिए, ऐसा नहीं है. इवन इफ विद अ स्कोर ऑफ 290 पीपल हैव गॉन टू यूनिवर्सिटीज लाइक मिशिगन एन आर्बर, बड़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां पे बच्चे 290 स्कोर पे भी गए हैं कुछ प्रोग्राम्स में. सो हमको पहले तो ये ब्लॉकेज हटा देना है कि हमको इतने नंबर स्कोर करने हैं. इट्स ऑलवेज गुड टू सेटअप एन इंटरनल गोल, कि हमको ये अच्छा है कि हम सोचें कि हम इतना स्कोर करेंगे, बट देन अगर कम भी आता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हमारे हाथ से कोई यूनिवर्सिटी या कोई प्रोग्राम छूट जाएगा. बिकॉज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है यूएस की यूनिवर्सिटीज में, दैट इज नॉट सोली बेस्ड ऑन देयर एंट्रेंस टेस्ट लाइक जीआरई और आईएलटीएस और for that matter किसी और, वो basically it's a mix of a lot of factors and one of which is GRE. GRE एक factor है. दूसरा factor आपका GPA, if you have a strong GPA that will come into picture. Then how strong your SOP is, letters of recommendation कितने strong लिखे गए आपके faculty द्वारा,
देन आपका अदर देन एकेडमिक्स क्या क्या रोल था, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ किया है, तो वो सारी चीजें दैट कम इन टू पिक्चर वाइल इवेल्युएटिंग योर एप्लीकेशन. द गुड पार्ट इज कि अगर हमारा जीआरई कम भी रह गया तो ऐसा वो नहीं होगा कि मेक और ब्रेक हो जाएगा उसके कारण, एंड अगर कम भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है. देर आर स्टिल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन विच कैन हेल्प यू गेट इन टू अ गुड यूनिवर्सिटी. राइट नाउ ETS इज द कंपनी दैट एडमिनिस्टर्स दिस टेस्ट, है ना. उनका वेबसाइट है ets.org/GRE करेंगे तो वहां पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. नाउ द अनदर क्वेश्चन अराइजेज इज डू यू नीड टू टेक द जीआरई हमको देना है कि नहीं. नाउ अगेन जीआरई मोस्टली यूएस में लगता है, बट अभी काफी सारी बाहर की कंट्रीज भी जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ले रहे हैं. तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूएसए एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड लॉ. मेडिकल एंड लॉ के उनके लिए उनके खुद के एंट्रेंसेस वगैरह होते हैं, बट उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए यू माइट रिक्वायर जीआरई इन यूएस. राइट इन फैक्ट अ मेजोरिटी ऑफ टॉप बिजनेस प्रोग्राम्स ऑल्सो आर एक्सेप्टिंग जीआरई. मतलब यूजली बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए जीमैट करके एक एग्जाम होता है एमबीएस के लिए, बट आज की डेट में क्या हो गया है कि दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग जीआरई. सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप जीआरई देखे, अगर आपका मन बना कि मुझे किसी बिजनेस प्रोग्राम में जाना है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट. ठीक है. सो फार आर वी क्लियर समृद्धि? दिस एग्जाम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. व्हाट आई मीन बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज बेसिकली कंप्यूटर पे देना है, पर वो जाके आपको किसी सेंटर पे देना पड़ेगा. तो उनके खुद के डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं हर सिटी में, और मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज इंदौर में भी है. वो आप वहां जाके देना पड़ेगा. द टेस्ट का कॉस्टिंग जो रहता है रफली $205 है, $205 रफली होता है 15,000 और 16,000 के बीच में. नाउ यू कैन टेक दिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स. आप साल में 5 बार दे सकते हो और 2 टेस्ट के बीच में 30 दिन का डिफरेंस होना चाहिए, 21 या 30 दिन का. मान लीजिए कि आज आपने दिया और सपोज आपका टेस्ट बिगड़ गया, यू आर नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, बट इफ यू डिसाइड टू टेक अनदर अटेम्प्ट यू कैन ऑलवेज टेक विद इन 1 मंथ. 1 मंथ के अंदर आप दोबारा दे सकते हो, और ऐसा आप साल में 5 बार भी कर सकते हैं चाहे तो. हालांकि कोई करता नहीं है, बट ये सहूलियत या सुविधा है आपको. बट द ओनली नेगेटिव पार्ट इज कि हर बार यू हैव टू पे दिस टेस्ट का कॉस्ट. This is only for one attempt, right? So if you have to re-attempt, you'll have to pay, register again and pay again, right? The link for registering for GRE is this. Now with COVID, what they have done, they have also given us a facility to take this test from the comfort of your home as well. आप घर से भी दे सकते हैं. उसमें वो आपको webcam अपना start चालू करके रखना पड़ेगा, and then they want to make sure through webcam they can see that it is the same candidate जो दे रहा है. वही उसी ने रजिस्टर किया है ऐसा करके. तो दिल मेक श्योर कि दिल मैच योर वेबकैम का पिक्चर विथ योर पासपोर्ट का पिक्चर एंड दोस थिंग्स, राइट. सो थोड़ा सा कंबरसम रहेगा कि यू नीड टू मेक श्योर दैट योर वेबकैम इज ऑफ गुड क्वालिटी, एंड आपका कमरे में रूम में लाइटिंग बहुत अच्छा है, प्रॉपर है. मतलब दिस इज द सिनारियो व्हेन प्रोबेबली अज्यूमिंग की दैट हमारा कुछ खुलेगा नहीं और हम बाहर दे नहीं पाएंगे ऐसा, तो उसके लिए है ये सिनारियो. बट अदरवाइज व्हाट आई एम होपिंग इज कि हम लोग सेंटर पे जाके दे पाएंगे. ठीक है, चलिए. I'll go ahead. Shall I prepare for GRE? That's one of the questions. So मेरे को लग रहा है definitely we should prepare. It's not a very difficult exam compared to जो Indian exams हैं कई सारे. अपन CAT देते हैं, कई सारे अपने friends शायद CAT भी दे रहे होंगे, कुछ लोग शायद कुछ और exam दे रहे होंगे, ZAT दे रहे होंगे, SNAP दे रहे होंगे. So these are all difficult exams. So उसके comparison में अगर हम देखें तो हमारा जो level है verbal का या quant का वो बहुत ज़्यादा difficult नहीं आता. Quant में भी मान के चलिए 10th class level की जो mathematics है उसमें आपका 85% पोर्शन कवर हो जाता है. कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट उन टॉपिक्स में इतना डिफिकल्ट पूछते नहीं है. वो हम लोग कवर करते हैं, बट उसमें बहुत बेसिक बेसिक ही पूछा जाता है. तो दैट कैन बी इजीली कवर्ड एज वेल, है ना. और थोड़ी प्रिपरेशन के बाद अगर आज मैं देखूं, आज आप जीआरई देने बैठेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए आपका 340 में से 300 अगर आता है, तो ट्रस्ट मी विद इन 2-2.5-3 months ऑफ प्रिपरेशन यू कैन इजीली बंप योर परफॉर्मेंस बाय 10-20 points. 10-20 points आराम से बढ़ जाता है. 10 point इज इक्वल टू मान के चलिए 12.5 percentage points. सो 20 point की बात कर रहे हैं कि आज आपने 50% मारा, 20 point का इंक्रीमेंट मतलब नेक्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग यू आर गेटिंग 75%. इतना बड़ा बम्प हो जाता है, राइट. दैट इज वन थिंग. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जैसे कल आपकी मम्मी ने भी शायद फोन पे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा. शी वॉज कंसर्न की यू विल बी गोइंग बैक टू दिल्ली डेली एंड यू वॉन्ट टू फिनिश दिस थिंग बाय before you go there, right? So few things are taken into account. One is the program where you are applying, how competitive it is. जैसे कि हमने बोला कि computer science में अगर हमको apply करना है तो obviously you need a very good score, roughly 350, right?
वही अपन ने बोला अगर सिविल इंजीनियरिंग में करना है या बिजनेस एनालिटिक्स में करना है तो हो सकता है हमको 315 नहीं लगे, हमको शायद 305 का स्कोर लगे, राइट। और वैसे इंग्लिश लिट में अगर हमको जाना है तो हो सकता है हमारे लिए जीआरई का खाली वो वर्बल सेक्शन ही काउंट करें या फिर कट ऑफ उसके बहुत कम। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्राइटेरिया इज की जो प्रोग्राम है वो कितना स्कोर मांग रहा है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज है टारगेट यूनिवर्सिटीज तो हमसे मांग क्या रही है। सेकेंड इज व्हाट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज बेसिकली कि आज आपने ज्वाइन किया, आप विद इन अ वीक आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा कि जीआरई कैसा है, आप एक मॉक टेस्ट दे दो। एंड दिस इज नॉट टू जज अवर सेल्फ कि यार हमारा कितना आएगा कितना नहीं आएगा, दिस इज जस्ट टू असर्टेन कि यार आज मान के चलें कि 7 दिन बाद आप दे रहे हैं तो हम तो मान के चल रहे हैं कि आप जीरो लेवल पे, तो जीरो लेवल आपका क्या है, वो 290 है 280 है कि 300 है, कितना पॉइंट है। सो दैट विल, जैसे होता है ना डाइट प्लान में जिम में जाते हैं तो आज मेरा वजन है 85 kgs, है ना, वो पहले दिन क्या करते हैं डे वन पे वो सब देखते हैं ना, आपका बीएमआई लेवल कितना है, आपका वेट कितना है, ऑल द थिंग्स दे रिकॉर्ड, और दे हैज पुट अस इनटू एन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कि आप डाइट भी करेंगे कार्डियो भी करेंगे ये भी करेंगे, फिर 3 महीने बाद हम रिजल्ट देखेंगे। सेम थिंग वी कैन डू हियर कि हम लोग आज इनरोल कर रहे हैं तो एक हफ्ते बाद वी जस्ट टेक वन एग्जाम वन टेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि व्हाट इज माय बेसलाइन। एंड देन मान लीजिए आपका 290 आया एंड योर प्रोग्राम रिक्वायर्स 305, so you know that you have to have a 15 point bump ki 15 point ka mujhe increment chahiye, theek hai, and accordingly we can chart out a plan ki how much preparation do we require ki humko ek hafte mein kitna reading karna hai other than the coaching ki jitni hum 6-7-8 ghante ki hamari agar coaching ka hai to uske alawa hum self study mein humko kitna time commit karna hai। usually with my experience what we have seen ki aap coaching ke alawa agar हफ्ते में 15 घंटे दे सकते हैं तो विच इज गुड। हालांकि अभी मेरे को लगता है कि यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम सो यू कैन इवन स्ट्रेच मोर, राइट, कर सकते हैं वो चीज। एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर जीआरई, तो देयर आर वेरियस मेथड्स। दिस इज बेसिकली कि क्लास बेस्ड प्रिपरेशन रहती है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज, इट यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ बोथ। सो इन आवर केस लकीली वी हैव ऑनलाइन तो है ही सारा मटेरियल, हम क्लास बेस्ड वाला फीलिंग भी यहाँ पे लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने जीआरई बनाया उनके रिसोर्सेज काफी पॉपुलर है, ठीक है, उनके बुक्स अपन ले सकते हैं। दूसरा स्किल मास्टर के हमारे खुद के जो रिसोर्सेस हैं, नाउ वी आर नॉट सेइंग कि हमने सारा रिसोर्स सारा जो मटेरियल है खुद से बनाया है, काफी सारा हमारा कंपाइल्ड है, तो इट्स अ मिक्स्ड ऑफ बेस्ट व्हिच इज ऑफर्ड इन द मार्केट। लाइक आप Amazon पे जाओगे या कहीं टॉरेंट पे जाओगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ बुक्स ऑन जीआरई, मे बी आप देखोगे तो शायद 100-150 बुक्स मिल जाएंगी, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, बट देन दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट, बिकॉज बुक्स अपने को फ्री मिल जाएंगी या सस्ते में मिल जाएंगी, बट देन अपना टाइम तो कीमती है, अपने पास देयर ओनली 2-3 मंथ्स, राइट। सो वी नीड टू गेट द राइट kind of material, we need to study the right kind of material, we don't want to have say 50 books hai to 50 books se nahi padhna, humko ye dekhna hai ki quantitative material, quant ka jo material hai best kahan se hai ya verbal ka material humko kaun sa kahan se padhna hai, so this is where we come into the picture, right। So hum logon ne jo material pura bana ke rakha hai wo wahi bana ke rakha hai ki yaar ye wale jo topics hai ye humne yahan se jo best hai wahan se utha ke liye hai, to sara aapko jo I would say jo material study material is to the point and curated. You don't have to go anywhere outside to go fetch anything ki yaar sir ne de diya sir ke alawa aur kahan se uthao, aap main jitna material de raha hu aap utna consume karo, aapka utna ho gaya, agar aap mujhse baat karo ki sir mera ye to ho gaya aap mujhe aur de dijiye to I'll give you the next best material, aur kya hai material mere paas, baki jitna material hum logo ne bana ke rakha hai utka karne mein aapko 2-3 mahine lag jayenge, theek hai, to pura main aapko guide kar dunga, uski dikkat nahi hai, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द जीआरई का टेस्ट फॉर्मेट। सो बेसिकली देयर आर मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5 into 7 सेक्शंस, 7 सेक्शंस रहते हैं टोटल। जब आप घुसेंगे स्टार्ट करेंगे टेस्ट, सो यू विल हैव एडब्ल्यूए सेक्शन फर्स्ट। एडब्ल्यूए के जो दो ऐसे होते हैं SA1 and SA2, तो दीज आर द वंस व्हिच यू हैव टू टैकल फर्स्ट। जैसे ऐसे में एक इशू रहता है, एक आर्ग्यूमेंट रहता है, तो उसमें दोनों में 30-30 मिनट्स आपको मिलते हैं, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोज ऐसे, एंड द ऐसे लेंथ शुड बी रफली अराउंड 400 वर्ड्स, तो ये रहता है। So that basically consumes your first 1 hour, which makes you a little bit exhausted. And after that, you can have 5 sections. Or five में है ऐसा होता है कि you can either get verbal section as the first one,
और मैथ सेक्शन इज द फर्स्ट वन, और वो ऑल्टरनेट करेगा, यानी कि अगर पहला सेक्शन आपका वर्बल आया तो नेक्स्ट मैथ आएगा, तीसरा वर्बल, चौथा मैथ, पांचवा वर्बल, तो इन दैट केस यू गेट 3 वर्बल एंड 2 मैथ। ऑल्टरनेटिवली अगर पहला सेक्शन आपका मैथ आया तो सेकंड वाला वर्बल, थर्ड मैथ, फोर्थ वर्बल, पांचवा मैथ, ऐसे आएगा, तो इन दैट केस यू आर गेटिंग 3 मैथ एंड 2 वर्बल, है ना। अब अगर आपके 3 वर्बल आते हैं 2 मैथ, तो इसमें मान के चलिए एक सेक्शन एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल उनके खुद के उनके पर्पस के लिए है, कि दे नीड टू ऐड अ लॉट ऑफ न्यू क्वेश्चंस एवरी ईयर, राइट, सो फॉर दैट दे आर यूजिंग दैट एक्सपेरिमेंटल सेक्शन फॉर टेस्टिंग, राइट। सो एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पहला सेक्शन जो वर्बल का था वो एक्सपेरिमेंटल था, मतलब कि वो आपके स्कोर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ डोंट एवर ट्राई टू गेस विच वन इज एक्सपेरिमेंटल, आपको जो 3 वर्बल के सेक्शन मिलेंगे तो आप गेस मत कीजिए कौन सा है, बिकॉज दैट इज फ्यूटाइल, क्योंकि उसमें क्या, आपने अगर मान लिया, गेस मार लिया कि मेरा पहला वाला वर्बल है, तो आपका अंदर से टेंडेंसी क्या आएगा कि यू यार ये तो एक्सपेरिमेंटल है, इसको अपन थोड़ा आराम से करते हैं, थोड़ा गलत भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट वॉट इफ मान लीजिए अगर वो एक्सपेरिमेंटल नहीं निकला तो क्या होगा, आपका लॉस है, राइट। सो नेवर एवर ट्राई टू गेस विच सेक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। कई बार बच्चे सोचते नहीं यार ये तो बहुत टफ है तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटल होगा, या फिर ये तो बहुत ईजी आया है, दैट मीन्स इट मस्ट बी एक्सपेरिमेंटल। नेवर एवर ट्राई टू डू दैट, यू हैव टू ट्रीट ईच सेक्शन एज इफ इट इज द एक्चुअल वन, दैट इज द की टू डू जीआरई। तो आपको ये मान के चलिए पांचों जो सेक्शन आपके आएंगे ए डब्ल्यू के बाद, आपको एटमोस्ट सिंसियरिटी से करना है कि सारे पांचों के पांचों मेरे नॉर्मल सेक्शन, दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटल सेक्शन, राइट। सो फार सो गुड। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो वर्बल में यू विल हैव टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस, पैराग्राफ आर्गुमेंट एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब वर्बल में जैसे सर के साथ आप बैठेंगे एक बार तो बताएंगे, वर्बल की प्रिपरेशन दो तरीके से की जा सकती है। एक तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन वर्ड लिस्ट, 1200 से 1500 वर्ड सर आपको देंगे तो वो आपको याद रखने हैं, उनको याद करना है, एंड नॉट जस्ट वर्ड मीनिंग या उनके सिनोनिम्स याद करने हैं, आपको उनको ये भी ध्यान देना है कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट विच वर्ड विल बी सूटेबल। जैसे इक्विवेलेंट और टैंटामाउंट, दीज आर सिनोनिम्स, राइट। टैंटामाउंट एक वर्ड है, उसका सिनोनिम है इक्विवेलेंट, राइट, बट द वे दे आर यूज्ड, द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड माइट बी टोटली डिफरेंट। कि टैंटामाउंट कहां पे यूज होता है, जहां पे कोई नेगेटिव कॉनोटेशन, कि नॉट स्टडिंग ड्यूरिंग द एग्जाम इज टैंटामाउंट टू फेलिंग इन द एग्जाम्स, राइट। तो इक्विवेलेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, बट टैंटामाउंट रहेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज योर वर्ड्स, बिकॉज आज की डेट में द एग्जाम व्हिच द वर्बल सेक्शन व्हिच दे आर कंडक्टिंग इज, उसमें लोग बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट को भी ध्यान दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, तो हमको सिनोनिम तो मालूम है, पर हमको अगर कॉन्टेक्स्ट में कहीं गच्चा खा गए तो वी माइट डू इट रॉन्ग, राइट। तो अपने को वैसे याद करना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कीजिए, दे आर इजी टू स्कोर इफ यू आर वेल रेड, अगर आपकी रीडिंग अच्छी कर रखी है तो दैट हेल्प्स यू अलॉट इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सर एक बार डिस्कस करेंगे सर के सेशंस में, आप देखिएगा। मैथ में जो टाइप है क्वेश्चन की, मोस्टली मल्टीपल चॉइस रहता है, फिर एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करके आता है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा बीच में कभी, तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन रहता है। तीसरा फिर न्यूमेरिकल एंट्री, यानी फिल अप द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चन रहेगा उसमें उसका ब्लैंक में आंसर लिखना रहेगा, जैसे कि किसी का आंसर 23 है तो जस्ट हैव टू राइट 23, राइट। और अपने जो रेगुलर जो ओल्ड मल्टीपल चॉइस है वो तो रहेंगे, ठीक है। अब कुछ में मल्टीपल चॉइस में भी मल्टीपल आंसर होते हैं, यानी ए बी सी डी ई है, तो वो बोलेगा कि एनी थ्री माइट बी करेक्ट, तो हो सकता है 3 आंसर उसमें चॉइस, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, ए सी ई ऐसा भी हो सकता है, ऐसे एक दो रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। सो दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स हियर, राइट। अच्छा ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया था कि नीड फॉर एक्सपेरिमेंटल सेक्शन, तो उनको क्या अपना टू टेस्ट फ्यूचर क्वेश्चंस दे नीड, उनको बेसिकली अपना क्वेश्चन बैंक बढ़ाना रहता है, राइट। तो उसके लिए दे आर गिविंग यू एन एक्सपेरिमेंटल सेक्शन, एंड एज यू नो दैट एक्सपेरिमेंटल सेक्शन डज नॉट काउंट टूवर्ड्स योर स्कोर, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि आप उसको अटमोस्ट सिंसियरिटी से दें, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लेटिंग यू नो कौन सा एक्सपेरिमेंटल, राइट। सो अपन को बस जो 100 बात की एक बात यह है कि वी हैव टू ट्रीट ऑल द 5 सेक्शंस एज एक्चुअल एंड नॉट द एक्सपेरिमेंटल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इज जीआरई कंप्यूटर अडैप्टिव, कंप्यूटर अडैप्टिव है कि नहीं है। तो कंप्यूटर अडैप्टिव है, अडैप्टिव ऐसे पता होगा आपको, राइट। कंप्यूटर अडैप्टिव मतलब कि आपका अभी का जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, सही दोगे कि गलत दोगे, उसके आधार पे अगला क्वेश्चन डिसाइड होगा, दिस इज कॉल्ड अडैप्टिवनेस, राइट। सो
as far as adaptiveness is concerned, GRE is adapting only between sections. And it is not question adaptive, it is section adaptive. मतलब जैसे आपका वर्बल के सेक्शन है 1, 3 and 5 है ना, तीन सेक्शन है, तो पहला सेक्शन वो हमेशा आपको एवरेज डिफिकल्टी का देगा, ठीक है? और मान लीजिए आपने उसको अच्छा कर लिया, तो कंप्यूटर का जो पीछे का एल्गोरिथम है, इट विल थिंक यार ये बच्ची एवरेज से ज्यादा, इसका आईक्यू है या इसका लेवल एवरेज से ज्यादा है, तो लेट मी गिव हर अ टफर सेक्शन, यानी जो आपका अगला सेक्शन आएगा, चूंकि आपने पहला सेक्शन बहुत अच्छे से किया, तो जो आपका अगला सेक्शन है वो बहुत अच्छा है, राइट? सो ऐसा अगर आपने गड़बड़ कर दिया, पहला सेक्शन बहुत अच्छा नहीं किया, तो यार कंप्यूटर सोचेगा कि आप बहुत तेज नहीं हो, एवरेज जो मैंने आपको एवरेज सोचा था, आप एवरेज से भी कम हो, तो आपको जो अगला सेक्शन देगा वो कम देगा, थोड़ा सरल देगा। बट होगा क्या कि अगर सरल तो देगा, पर आपका वो बेस नीचे हो जाएगा, यानी इवन इफ यू डू द सेकंड सेक्शन गुड, आपके नंबर हो सकता है कम आए। और पहले सिनेरियो में अगर आपने पहला सेक्शन बहुत अच्छा कर दिया और अगला टफ आ गया, इवन दो यू डू द सेकंड सेक्शन बैड, अच्छा नहीं किया आपने, तो भी हो सकता है आपका, क्योंकि लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है, तो हो सकता है वो आपको अच्छा मार्क्स अच्छे दे दे, राइट? तो अपने को तो वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट। तो फर्स्ट एवरीवन स्टार्ट्स विद द मीडियम सेक्शन, जो पहला सेक्शन हमेशा एक एवरेज सेक्शन आएगा, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, राइट? एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द नेक्स्ट सेक्शन, कि अगला सेक्शन टफ आता है, इजी आता है, दैट्स बेस्ड ऑन हाउ यू परफॉर्म इन द फर्स्ट सेक्शन, राइट? एंड नेवर ट्राई टू गेस। कई बार होता है ना कि पहला सेक्शन आपका अच्छा गया, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट सेक्शन आपका, जैसे पहला मैथ का सेक्शन बहुत अच्छा गया, तो यू आर अज्यूमिंग कि नेक्स्ट जो सेक्शन अब टफ आएगा मेरा, ठीक है? पर मान लीजिए सरल आ गया, तो हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन हो, आप डरे नहीं कि अरे सरल आ गया मतलब मेरा पिछला वाला खराब गया था, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। नाउ नेक्स्ट वन, कैन आई स्किप क्वेश्चन? द बेस्ट पार्ट अबाउट GRE इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे अपने इंडियन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है ना, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें विद इन द सेक्शन, जैसे आपने पहला सेक्शन उठाया मैथ्स का, विद इन द सेक्शन यू कैन स्किप कि पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है कि मैं छोड़ दूं, मैं अभी सेकंड पे चली जाती हूं, वहां पे कर लूंगी, बाद में आ जाऊंगी, यू कैन ऑलवेज स्किप इट एंड कम बैक लेटर। ये चीज आप कर सकते हैं विद इन द सेक्शन, वो सेक्शन सबमिट करके आगे बढ़ गए फिर वापस नहीं आ सकते। विद इन द सेक्शन आप जैसे 20 क्वेश्चन है, आपने पहले चार छोड़ दिए फिर कर लिए कि पहले चार में बाद में आके कर लूंगी, तो वो कर सकते हो आप बिफोर सबमिटिंग the section, before completing the section you can do that, right? And it is a good strategy considering that negative marking nahi hai, so hum kya pehle kya jo aa raha hai wo kar le, aur baad mein jo bacha hai usme agar time nahi bacha, to you can always, it's a good strategy to click, kuch na kuch tukka maar ke aana is better than leave it, hai na? Leave karne ki penalty zyada hai rather than wrong karne ki, ye samajh lijiye aap, hai na? To aap agar aakhri mein aisa lag raha hai char question bache hain, mere paas khali 40 second baje hain, to aap char tukke bhi maar sakte hain, चार में से एक सही करने की बजाय चार तुक्के मार के आप भी आ सकते हैं, ठीक है? Are all questions worth the same amount of points? Yes, that's the good best part, कि सारे questions का जो marking है same ही रहता है। ऐसा इसलिए कि आपको जो question tough लग रहा हो सकता है वो मेरे लिए सरल हो, है ना? तो who decide कि कौन सा tough है कौन सा सरल है, right? तो each question is worth the same number of points and that is the reason why it is a good strategy to do this, जो सरल सरल क्वेश्चन से पहले कर लो आप, कि 20 में से मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन थे सरल थे, आपने जल्दी कर लिए 10 मिनट में, नाउ यू हैव 25 मिनट्स लेफ्ट एंड यू हैव ओनली 10 क्वेश्चंस टू डू, सो यू कैन ऑलवेज टेक योर टाइम एंड साइकोलॉजिकली यू विल हैव अ गुड, यू विल बी इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम रिमेनिंग एंड आई हैव टू डू 10 क्वेश्चंस ओनली, राइट? सो दिस इज ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटजी टू फर्स्ट डू द क्वेश्चंस व्हिच आर इजीियर, व्हिच लुक्स इजीियर टू, राइट? एंड एज आई मेंशनड, देयर इज नो penalty for guessing incorrectly on the GRE. As a result, do not leave any questions unanswered, even if that means totally guessing. है ना, अगर तुक्का मारने की जरूरत भी पड़े तो आप कीजिए, छोड़ के मत आइए, ठीक है? What type of math is on the GRE? As we mentioned, stuff you most likely learned in high school. मतलब 10th class तक हमने जितना पढ़ा उतना ही रहेगा, basic properties of shapes, अपने जो 8th class में geometry पढ़ी थी, I know सब भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको brush up करना बहुत easy है, circles, quadrilaterals, number theory में integer properties, exponents, word problems जो होते थे, rates and work के, वो सारे questions, right? तो these are all questions जो घुमा फिरा के देते हैं, but usually बहुत ज़्यादा tough नहीं होते, ये थोड़े practice से हम लोग इसको सही कर सकते हैं, right? What makes GRE math tricky? So कई बार होता है कि जो fundamental या basic पूछ रहे हैं वो easy है, हो सकता है वो time and speed and distance पे ही है, but then उसमें घुमा फिरा के कुछ पूछेंगे, कुछ complex कर दी चीज़, right? Which requires more time to
पॉन्डर ऑन दैट, कि उसको थिंक करना पड़ेगा, आपको पेंसिल से दो तीन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हो सकता है। तो एक बार आप समझ गए जो मैथ है उसके पीछे की, इक्वेशंस बहुत इजी होती हैं, आपको मेन प्रॉब्लम रहता है कि जो लिखा हुआ है शब्दों में उससे इक्वेशन बनाना, दैट इज द ट्रिकी पार्ट, दैट्स इट। अदरवाइज मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो उसके पीछे का जो फंडामेंटल जो हमको पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड अनलाइक स्कूल, जब हम लोग को क्या मेथड्स के मार्क मिलते थे कि हमने दो स्टेप छोड़ दिए तो हमारे दो नंबर कट गए, वैसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल आपको वर्क दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर जीनियस आप अपने हेड में ही कर सकते हो, हो गया तो आपको वर्क दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली टाइप आउट द आंसर, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग कर सकते हैं हम लोग, ना? इट्स मोर लाइक अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही है, कैट जैसा ही है, बट थोड़ा ईजी है, उससे काफी ईजी है ना। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, देयर इज नो पास और फेल। तो कभी 290 भी आ गया तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं कि फेल हो गए अपन और 300 है तो पास है, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट? जैसे मैंने बताया, अभी मेरे दो बच्चों के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर से एडमिट आया है एमएस इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में, अगेन दैट्स द नंबर वन प्रोग्राम, एंड लकीली दे डिड नॉट, मतलब वो जीआरई से ज्यादा वेटेज उनके प्रोफाइल को देता है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्कोर लेस देन 300 दे वर एबल टू गेट टू द नंबर वन यूनिवर्सिटी इन द प्रोग्राम, ठीक है? ठीक है, व्हाट डज द जीआरई मैथ सेक्शन टेस्ट? सो बेसिकली डेफिनेटली टेस्ट योर एबिलिटी टू डील विद नंबर प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड, मतलब जो बेसिक जो मैथ्स है वो पूछ ही रहा है, बट उससे ज्यादा वो क्या देख रहा है कि इट रियली टेस्ट द वे यू गो अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी देख रहा है कि ठीक है, कुछ हमको किसी रेट्स एंड वर्क के फंडामेंटल पे अगर उसने पूछा है कि ए को बी तक जाने में कितना समय लगता है, तो हाउ वुड यू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, हाउ वुड यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू हाउ वुड यू ब्रेक डाउन इट, and how would you convert into an equation and then finally solve it, right? So it boils down to that. मेरे ख्याल से आपने दिया होगा अशोका वगैरह का टेस्ट भी ऐसे ही कुछ होगा, aptitude ही होगा मेरे ख्याल से, right? तो जो math, I'll mainly focus on math, verbal वाला probably Pankaj sir will tell you sometime else. Math में जो रहता है तो problem solving रहता है. Problem solving is कि भाई A B C D multiple choice question रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ question रहेगा, जैसे aptitude में रहता है. और दूसरा जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है, उसमें ऐसा होगा कि कुछ दिया होगा कि इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, है ना? अब इसमें होगा कि क्वांटिटी ए होगी जीरो, क्वांटिटी बी होगी टू, या क्वांटिटी बी होगा थ्री, ऐसा कुछ। तो आपको देखना है कि बेस्ड ऑन द आंसर कौन सी चीज बड़ी है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो ए बड़ा होगा तो आपका ऑप्शन होगा ए, बी बड़ा होगा तो आपका ऑप्शन होगा बी, अगर दोनों बराबर होंगे देन द ऑप्शन विल बी सी, एंड इफ यू कांट टेल बेस्ड ऑन द डेटा और द इन्फॉर्मेशन गिवन द ऑप्शन विल बी डी। उसका मैं आपको कभी बीच में डाउनलोड दे दूंगा व्हेन आई एम डूइंग अ शीट, आपको पूरा समझा दूंगा उसमें। तो बेसिकली आई हैव मोर कॉन्टेक्स्ट टू आंसर, राइट? तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव टू डील इन क्वांटिटेटिव सेक्शन, ठीक है? अच्छा, दिस इज what kind of problems and what kind of percentage you are getting in the किस type के topics आ रहे हैं। तो arithmetic series के एक दो questions आते हैं, coordinate geometry का एक आता है। Now this is based on कि ETS का हमने एक practice test निकाला जो हमको देता है, तो उसको हमने breakdown किया, वहां से निकाला, हमने categorize कर दिया कि algebra के 9 question आते हैं out of 40, percentage के 9 question आएंगे, उस type से पूरा इन्होंने पूरा breakdown निकाला है, ठीक है? So these are the topics which we'll be covering mostly, data interpretation, geometry, statistics. बहुत बेसिक देखेंगे तो एक्सपोनेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा, एपीजीपी रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स करीब 15 से 16 टॉपिक हैं जो हम लोग 2 से 2.5 महीने में कवर करेंगे, ठीक है? अनदर क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आस्किंग, व्हाट इफ आई एम नॉट अ मैथ पर्सन, सबका रहता है ना डाउट कि हमको बचपन से डर लगता है मैथ्स में। तो गुड पार्ट इज देखिए कि जीआरई इज नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आप अपने मन में ठान लेंगे कि हाँ मुझसे नहीं होगा, तो आप मान के चलिए कि आप आधा बैटल वहीं हार गए, तो वो हमको नहीं करना है। आपको आज से ही सोचना है कि दिस इज नॉट मैथ, दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जाम विच आई हैव टू प्रिपेयर, स्टार्ट अफ्रेश, बिल्कुल आज से, डे वन से आज से चालू करना है। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, और सारा जो खेल है दिमाग का है कि मतलब आपने दिमाग में सोच लिया मुझे करना है तो आप कर लेंगे, और अगर आपने मां ठान लिया कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, तो आधा बैटल आप हार गए। तो पहले तो अपने को ये मेंटल जो ब्लॉकेज है हटाना है, ठीक है? बिकॉज़ वी आर नॉट डीलिंग विद 11 12 क्लास का जो जेई लेवल का मैथ्स अपने आर एस अग्रवाल और सब रहता था, वो सब नहीं पढ़ना है हमको। हमको बहुत इजी चीजें पढ़नी है, जो बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के पढ़ने हैं। और ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे करने भी नहीं है ना, हम तो बोलेंगे आधा करके आएंगे तो भी चलेगा,
बिकॉज अगर आप इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश रिलेटेड सब्जेक्ट में जाएंगे या किसी में भी, ट्रस्ट मी दे विल फोकस मोर ऑन योर वर्बल वाला पार्ट, मेरे को ऐसा लगता है. दे विल नॉट, दे नो बीए लिट है अपना या बीए इंग्लिश है, तो दे बोलेंगे दैट्स फाइन, दे विल फॉरगिव इट, किया मैथ्स में इसका 150 भी आया 170 में से, विच इज 50% चलेगा. बट दे विल फोकस मोर ऑन कि आपका वो वर्बल में कितना आया, आपका वो जी आर इंग्लिश लिट में कितना था, आपका एसओपी में आपने क्या लिखा, आपके किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो दे विल मोर वरी अबाउट दैट. जैसे इंजीनियरिंग में दिल, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में क्या होता है, दिल फोकस मोर ऑन मैथ कि आपका क्वांटिटेटिव कितना था, इंग्लिश उनको इंग्लिश माफ है कि इंग्लिश उनका कम रहेगा चलेगा, और वो बोलते हैं आपका क्वांट्स मैथ सेक्शन में अच्छा होना चाहिए. तो जो इंजीनियर्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, सिविल में जा रहे हैं, मैकेनिकल में, उनका रहता है कि हमको मैथ्स में हमको 160 या 165 चाहिए, इंग्लिश में हम बोलते हैं ठीक है आपका 150 भी रहा 148 भी रहा चलेगा, राइट. तो आपके केस में हो सकता है उल्टा होगा कि आपको रहेगा कि ठीक है हमको ऐसा, वी आर नॉट इवन टारगेटिंग 170, हमको 170 टारगेट ही नहीं करना, विल टारगेट फॉर 160 165, अगर हम 155 पे भी रह गए चलेगा, 150 पे भी रह गए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वी हैव टू स्कोर द फुल मार्क्स, बट ये है कि हमको जितनी एबिलिटी है हमारी, हमने जितनी प्रिपरेशन की है, आर वी एबल टू डिलीवर दैट मच. मतलब हमको गुस्सा तब आना चाहिए कि हमने तैयारी करी 100 नंबर की पर हमारे 50 आए, अगर मैं 70 नंबर की तैयारी की और 70 ही आया मेरा, तो आई शुड बी हैप्पी. तो वी शुड, मेन ये है कि हमको अपना जितना पोटेंशियल है और जितनी तैयारी रहेगी उसके हिसाब से हाउ डिड आई परफॉर्म, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू सिट इन अवर क्लास और व्हेन यू ज्वाइन अवर कोर्स, आपकी जो मेंटालिटी होनी चाहिए कि ईच डे इज अ न्यू डे एंड आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, है ना. अपने वो ये नहीं सोचना कि मेरे को नहीं आ रहा है या मेरे से नहीं होगा, नहीं, आज मैंने क्या सीखा सर से, आज सर ने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया तो ठीक है, आई लर्न टू न्यू थिंग्स अबाउट दिस. No, अभी दो टाइप के नए क्वेश्चन सर ने आज मुझे बताया कि अगर अब ये मैं इस टाइप के क्वेश्चंस देखूंगी एग्जाम में, आई विल बी एबल टू डू इट. सो दैट्स रियल प्रोग्रेस, राइट. सो यू हैव टू सिट विद दैट माइंडसेट कि व्हाट न्यू आई एम गोइंग टू लर्न. क्योंकि देखो ये यूएस के एग्जाम्स हैं, एग्जाम पे फोकस कम रहता है, तो आपको पहले तो प्रेशर हटा लीजिए कि खाली एग्जाम ही मेक अप ब्रेक है. इंडिया में जैसे होता है ना, जेईई नहीं निकाला तो जिंदगी खत्म है, नीट नहीं निकाला तो जिंदगी खत्म है, वो प्रेशर करके बच्चे क्या अंडर परफॉर्म करते हैं. बट यूएस के एग्जाम्स में ऐसा नहीं रहता, आपका एग्जाम का वेटेज ही 15-20% है. तो पहले तो अपन प्रेशर अपना हटा दें, अपन बिना प्रेशर के ही लर्निंग करें, तो क्या बिना प्रेशर के लर्निंग में लर्निंग ज्यादा होती है, राइट. तो आपका एम होना चाहिए कि आई विल बी लर्निंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट, विच माइट हेल्प मी लेटर इन माय कोर्सेज लेटर ऑन और माय वर्क लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ, राइट. तो मैं तो बोलूंगा आप इस पर्पज से आप मेरे क्लास में बैठिएगा, ठीक है. कई बार होगा अभी कि देखो अपन रस्टी हैं, अभी 5 साल से मैथ्स नहीं पढ़ी है 10th के बाद, राइट. तो पहले शुरू में नहीं बनेंगे क्वेश्चन, राइट. अपन जैसे बच्चा होता है कैसे होता है, अपन पहले से उसको रेस ट्रैक पे थोड़ा ना डाल देते हैं कि जो भाग यहाँ पे तो स्प्रिंट करनी है. पहले बच्चा क्या करता है, क्रॉल करता है, फिर तो धीरे धीरे उठता है, धीरे धीरे चलता है, एंड देन जब उसकी लेग स्ट्रांग होती है देन ही स्टार्ट्स रनिंग. तो दिस इज द अप्रोच वी हैव टू फॉलो कि डे वन यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व, किया ये तो हो ही नहीं रहा. तो बच्चों का प्रोग्रेस क्या होता है कि नहीं यार आपने सर आपने सोल्यूशन दिखाया तो मुझे समझ में आ गया, या मैंने जब सोल्यूशन पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया. तो यू आर डिसअपॉइंटेड कि यार मेरे को पहले से क्यों नहीं आया, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आपने सोल्यूशन देख के समझ लिया, विच इज अ रियल प्रोग्रेस. बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपने अभी सोल्यूशन देख लिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन का दिस इज द अप्रोच, नेक्स्ट टाइम इफ यू सी द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम या सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम होपिंग दैट 90% ऑफ द टाइम विल बी एबल टू डू दैट प्रॉब्लम, राइट. सो वी हैव टू गो विद दैट अप्रोच कि कई बार होगा ऐसा कि यार नहीं आ रहा ये तो मेरे को, तो डोंट गेट डिस्करेज. वो अपना कई बार होता है, रस्टी भी होते हैं, हमने नहीं किया होता उस टाइप का टॉपिक, हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया, बट लेट्स एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट, सो वी गो विद दैट एटीट्यूड. सो आई नीड यू टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग. कि चैट पे आप जूम चैट में प्राइवेट चैट का भी ऑप्शन रहता है, तो कुछ नहीं समझ में आया जस्ट रेज योर हैंड एंड सर ये वाला स्लाइड नहीं समझ में आया या ये क्या बोला प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, है ना. डोंट एवर थिंक कि बाकी कोई क्या सोचेगा, बाकी कोई सोचे ना सोचे अपने को क्या फर्क पड़ता है, यू पेड फुल, आपने पूरा मेरे को दिया है, आपका पूरा हक है अपने सर का सर खाओ कि जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक उसको रोक के रखो, एंड आई विल नेवर माइंड फॉर दैट, है ना. मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं यार किसी का डाउट था मैंने सॉल्व किया, ठीक है. बिकॉज देयर इज नो वे ऑनलाइन और वैसे भी टू फिगर आउट कि किसको समझ में आया. आफ्टर एवरी स्लाइड आई आस्क अ क्वेश्चन कि इज दिस स्लाइड क्लियर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, है ना. आपको लग रहा है कहीं बीच में कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, जस्ट टाइप की सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, है ना. तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपने एंड पे भी, क्योंकि मैं संत अंतर्यामी तो हूं नहीं कि बिल्कुल आपके अंदर मन की बात जान जाऊं. आपको थोड़ा सा रीच आउट करना पड़ेगा, है ना.
बाकी ट्रस्ट मी आई विल लिसन टू एवरी थिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ यू, है ना. आप कुछ भी बोलोगे मैं सुनूंगा, पर आपको बोलना पड़ेगा, है ना. सो बी फ्रैंक विथ मी, बी फ्रैंक विथ पंकज सर. हम दोनों ही बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हैं, आप जो भी बोलोगे सब चीजें ध्यान देते हैं हम लोग, है ना. पर आपको रीच आउट करना पड़ेगा मुझको, है ना. कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग योर करियर की, सर कंपेरेटिव लिटरेचर जैसे बोला मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ट्रस्ट मी आज मैं जाके पहले देखूंगा, क्योंकि मुझे क्रिएटिव राइटिंग पता है आपके फील्ड में होता है, उसमें मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मास कम्युनिकेशन में कई बच्चे जाते हैं, बट आई विल गो एंड रीड अबाउट कंपेरेटिव लिटरेचर टुडे, राइट. तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू गाइड यू टू द बेस्ट पॉसिबल, जितना एडवाइस हम दे पाएंगे आपको, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस. लास्ट एंड नॉट द बट नॉट द लीस्ट, बेसिकली यू हैव टू रिमूव योर मेंटल ब्लॉकेज एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज एंड हार्ड वर्क. ये आपको करना है, आप बस ये मान के चलो कि मैं कर लूंगी सर, इतना मान के चलोगे तो सब ढंग से होगा, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, हाउ डू आई गेट बेटर एट मैथ? सो सिंस आई एम ए मैथ ट्यूटर, आई विल बी फोकसिंग ऑन मैथ इटसेल्फ. सो स्टार्टिंग आउट यू विल हैव टू लर्न अवर फॉर्मुलेज, फंडामेंटल्स की, ठीक है, एक सर्कल का एरिया सर्कमफेरेंस क्या होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है. सो वी हैव टू रोट लर्निंग भी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा कैसे आया वो, डिराइव कैसे कर रहे हैं हम, और उसके बाद रटना भी पड़ेगा उसको, है ना. सेकेंड स्टेप वुड बी कि वो फॉर्मूले या फंडामेंटल हमने याद किया तो उसको अप्लाई कैसे करना है. यार ये इसका फॉर्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हो, कैसे अप्लाई करना है. तो हो सकता है उसमें अपने को लेंथ दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, रेडियस दे रखी हो, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. तो वन सिंपल थिंग वुड बी प्लग इन द वैल्यूज एंड देन फाइंड आउट द वॉल्यूम, राइट. सो नॉट ओनली वी हैव टू लर्न द स्ट्रेटजीज, नॉट ओनली वी हैव टू लर्न द फंडामेंटल्स, बट वी हैव टू लर्न अबाउट द स्ट्रेटजीज एंड हाउ टू अप्लाई दोस, है ना, टू सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम. तो कैसे होगा वो कर करके होगा. होता ना कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि नहीं समझ में आ रहा हमने 40 क्वेश्चन लगा दिया आज बैठ के, वो जादू से नहीं आ जाएगा कि यार सर ने पढ़ा दिया तो हो गया. नहीं, सर ने पढ़ाया फिर हमने जाके खुद से समझा, हो सकता है उसमें से 80% ही हमने रिटेन किया, 20% नहीं आया. उसके लिए फिर हमारे वीडियोज हैं कि आप लेक्चर जो जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है इसका मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूँ, तो आप फिर से जाएंगे वो पूरा लेक्चर देख सकते हैं उसको. फिर एक्स्ट्रा जो वीडियोज मैंने वीडियो सेक्शन में डाल रखे हैं उधर हम देख सकते हैं. तो उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो गेट बैक टू मी कि सर ये वाला पार्ट फिर से मुझे एक बार बता, ठीक है, या ये क्वेश्चन में मैं ये वाली चीज नहीं लगा पा रही हूँ, नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट. सो वी कैन डू दैट ऑन जूम सेशन, और आई कैन क्विकली क्रिएट अ सॉल्यूशन राइट करके स्टेप बाय स्टेप आपको फोटो खींच के दे दूँ. ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल जो है वो विद सॉल्यूशन ही है हम लोग का. गुड पार्ट इसकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो वी कैन गो बैक टू द सॉल्यूशन और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कहाँ अटक रही थी मैं, कहाँ अटक गई थी जहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, राइट. दैट इज वन गुड थिंग, ठीक है. तो जो मटेरियल रहेगा हमारे ऐप में रहेगा, जो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूँ. जैसे ये आपका ऐप का इंटरफेस ऐसा कुछ दिख रहा होगा जब आप गए होंगे, है ना. तो मैं जैसे नीचे जैसे जाएंगे तो यहाँ जैसे ये देखा है यहाँ पे व्यू स्टडी मटेरियल करके है, राइट. ऐसा ही है ना. तो क्लिक करेंगे तो उसपे आप कहाँ जाएंगे, उसमें बेसिकली एक क्वांट का फोल्डर है, एक वर्बल का फोल्डर है, एक AWA का फोल्डर होगा, है ना. मैं क्वांट वर्बल का भी देखिएगा, पर क्वांट में बेसिकली क्या है, पहला जो फाइल है, तो पहला जो उसमें मैंने नंबर कर रखा है 01, 02, 03, तो पहला वाला फाइल है, दैट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ टू नेविगेट द सेक्शन, यानी कि आपको बाकी फाइल को कैसे कंज्यूम करना है. उसमें आप क्लिक करेंगे तो जाके देख सकते हैं कि पहली तीन फाइल्स यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ थ्योरी वाली हैं, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स हैं, 5, 6, 7 शायद खाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं विद सॉल्व एग्जाम्पल्स, ऐसा करके है. नाउ गुड थिंग अबाउट दिस इज कि जैसे आपने खोला है, इफ यू क्लिक ऑन मेनी ऑफ द फाइल्स, वो आपके गूगल ड्राइव में जाके सॉल्व सेव हो जाती है. कि आपको कभी लैपटॉप पे पढ़ना हो तो आपके गूगल ड्राइव में देखेंगे तो सारे जो PDF से वो जाके सेव हो गया वहाँ, तो आप जा वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ऐप के थ्रू मोबाइल में भी पढ़ ही सकते हैं, दोनों तरीके, ठीक है. अदर फीचर्स जैसे देखेंगे ऊपर जब देख रहे हैं हम लोग ये, अच्छा नहीं अब अदर से पहले मैं तो इसमें जा रहा हूँ मटीरियल वीडियो सेक्शन में. अगर वीडियो में जाएंगे GRE करके फोल्डर है, GRE में क्वांट और वर्बल है. अब क्वांट में क्या टॉपिक वाइज मैंने आपको दे रखे हैं कि एलजेब्रा इक्वेशन इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक फोल्डर है, अर्थमेटिक परसेंटेज का एक रेशियोज का एक फोल्डर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो ईच सेक्शन विल हैव बाइट साइज वीडियोस. सॉरी वेयर आर द वीडियोस? ऊपर जाके वीडियो सेक्शन देखो ना, ऊपर ऐप में ऊपर ओवरव्यू स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स दिख रहा है. हाँ, या, ओके, उसको स्क्रॉल करो टू द लेफ्ट, है ना, तो उसमें वीडियो सेक्शन आ गया. क्लिक कीजिए तो यू विल गेट टू फोल्डर्स, क्वांट एंड वर्बल करके देखते चलो साथ साथ, है ना. उसमें फिर सारे ये सारे वीडियोस दे रखे हैं आपके हर टॉपिक के.
अब जैसे मैंने आज आपको असाइनमेंट दूंगा रेशियोज का, तो मैं बता दूंगा रेशियोज के लिए आप वीडियो सेक्शन में क्वांट में इस पर्टिकुलर के ये चार वीडियोज, क्योंकि उसमें 25-25 वीडियो है, तो जो रेलेवेंट वीडियोज है वो मैं आपको दे दूंगा कि ये चार वीडियोज आपको देखने हैं साथ, प्लस आपको जो क्लास का मटेरियल जैसे डेक फॉर्म में रहता है तो हर टॉपिक का मैं आपको दे देता हूँ, है ना। वो कहाँ पे देता हूँ आपको? असाइनमेंट सेक्शन में। ऊपर जैसे असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे आप, वीडियोज के पास में ही है शायद, है ना, तो उसमें हर टॉपिक के असाइनमेंट्स, हर जैसे आज मैंने नंबर थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आई गिव यू असाइनमेंट, तो असाइनमेंट विल हैव ऑल द डिटेल्स कि आपको ये वीडियोस कवर करने हैं, ये वाला जो क्लास का जो सारा प्रेजेंटेशन है, जो सारी चीजें वो मैं आपको उसमें दे देता हूँ, प्लस क्लास का जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है लेक्चर का वो भी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आप जाएंगे उसमें लेक्चर रिकॉर्डिंग करके फोल्डर होगा, देखिए क्वांट के अंदर, उसमें हर टॉपिक की एक एक घंटे के वीडियोज है, जो इट्स एक्चुअली अपना जो जूम का कॉल चल रहा है ना उसका पूरा रिकॉर्डिंग रहता है, तो कभी आपको ऐसे मिस हो गया कि यार भूल गया मैं, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड गो थ्रू, ठीक है। अदर देन दैट यू हैव अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट हम लोग कर देते तो आपको ऐसे ऐप नोटिफिकेशन आता होगा, जैसे आज आया होगा कि कुछ मैंने भेजा था आज, क्लास का आया होगा कि जूम डिटेल्स भेजी होंगी, और दूसरा फिर नीचे कहीं तो चैट सेक्शन भी है, नीचे दिख रहा है आपको चैट? हाँ, हाँ. चैट में जाएंगे तो आपके ग्रुप जो बैच है, बैच के नाम से एक ग्रुप बना हुआ, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होते हैं ना, वैसे एक GREMWF करके ग्रुप है, तो उसमें आपके सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, और इट्स लाइक अ व्हाट्सएप चैट ग्रुप, तो यू कैन डिस्कस एनीथिंग कि सर आपने ये चीज डिस्कस की थी या व्हाटएवर, सो इट्स यू कैन यूज इट एज अ ग्रुप, व्हाट्सएप चैट ग्रुप काइंड ऑफ अ थिंग, एंड यू कैन ऑलवेज वो मेरे को पर्सनल मैसेज भी उसमें से कर सकते हो आप, जैसे मेरा नाम स्किल मास्टर से अगर आता है You can look for search for skill master and you can ping me. है ना, मेरे ख्याल से मैंने शायद डाला भी था आपको कुछ कुछ शुरू में, है ना। और अगर पंकज सर से बात करनी है वर्बल के लिए तो पंकज सर के नाम से होगा उनका, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस थ्रू दिस चैट, और नहीं तो हम अपने अपने पर्सनल नंबर्स पे भी अवेलेबल हैं, हालांकि वी विल प्रेफर कि ऐप के थ्रू ही करें, बट आपको वैसे बात करनी है तो व्हाट्सएप पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मोस्टली योर, अच्छा उसके एक टेस्ट भी है, टेस्ट करके है, तो आज जैसे टेस्ट दिया था मैंने बच्चों को पिछले टॉपिक का फंक्शंस का, तो वो भले आपको देने की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर ईच टॉपिक आई कंडक्ट अ ऑनलाइन टेस्ट। अब वो ऑनलाइन टेस्ट कैसा रहता है? GRE टाइप का रहता है कि GRE में जैसे 35 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस का आता है, पर मैं इंस्टेड ऑफ 35 आई गिव 45 मिनट्स, क्योंकि मेरा लेवल थोड़ा सा मैं ज्यादा देता हूँ, बढ़ा के देता हूँ, तो मैं 10 मिनट बढ़ा देता हूँ। तो यूजली आफ्टर एवरी टॉपिक आई गिव अ टेस्ट, और टेस्ट का ड्यूरेशन रहता है कि वो 24 घंटे तक खुला रहता है, उस दौरान आप कभी भी दे सकते हैं, है ना। 45 मिनट का टेस्ट रहता है तो कभी भी टाइम निकाल के आप उसको फोन के जरिए दे सकते हैं, ना, ऐप पे ही दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, वंस यू सबमिट योर टेस्ट वो आपको पूरा नंबर दे देगा, कितने नंबर सही है आपके, सॉल्यूशंस दे देगा नीचे, यू कैन ऑलवेज वॉच गो थ्रू द सॉल्यूशंस, तो ये सारे फीचर्स अपने यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा क्लियर हुआ आपको कैसे पढ़ना है अपने को, है ना। तो कोई और भी डाउट हो ऑलवेज रीच आउट टू अस।